शर्मीन, मैं यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, सुपरवाइज कर रही हूँ अपनी टीम को। जो हमारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ CMO श्रीनगर एंड विद कोलाबरेशन विद SMC पीपल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं। इसमें हम जो है एज ग्रुप ऑफ 18-44 कवर कर रहे हैं आज। आप सही कह रहे हैं कि लोगों में जो है काफ़ी डर था पहले भी, अभी भी कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। मेरा उनसे यही कहना है कि आप जो है इन रूमर्स की तरफ या जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स, उनकी तरफ मत जाएं, एक्सपर्ट्स की बात सुने। क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे हम इस पैंडमिक के जो साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन है इसको हम रोक सकते हैं और इस पैंडमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको आना चाहिए और वैक्सीनेट करवाइए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। जो वैक्सीनेशन होती है इसमें आप क्या करते हो, एक फॉरेन बॉडी जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करे। वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, आपकी बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्स को हम डेवलप करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अगर नेक्स्ट टाइम आप इस वायरस से एक्सपोज होते हैं या किसी भी डिजीज़ से एक्सपोज होते हैं, हमारी बॉडी इसको रिकोगनाइज़ करती है और यू विल नॉट गेट द डिजीज़। एक्चुअली आपको जो सिम्टम्स माइल्ड होंगे और डेफिनेटली जो ये वैक्सीन होगी आपको सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ से बचाएगी। सो इसमें जो माइल्ड सिम्टम्स लाइक आपको फीवर आ जाता है या बॉडी एक्स होती है, ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, आपको सिंपल पैरासिटामोल ले सकते हैं आप, फॉर 2 डेज़ या 1 or 2 डेज़ ये रहेगा, देन यू विल बी नॉर्मल। 12 to 16 weeks अब न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं, आप थ्री मंथ्स आपको वेट करना होगा फॉर सेकेंड डोज। गाइडलाइंस आइए, मैं वही बता रही हूँ, आफ्टर 3 मंथ्स आप जब नेगेटिव होते हो, फ्रॉम द टाइम यू आर नेगेटिव, उसके बाद 3 मंथ्स आपको वेट करना है, आप अपना जो है वैक्सीनेट करवा सकते हैं। इसके लिए यही मेरा मैसेज रहेगा कि आप जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड होती है उनकी तरफ ध्यान ना दें, जो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं आप उनकी बात सुने और वैक्सीनेट करें। ये जो वैक्सीनेशन शहर श्रीनगर में चल रही है ये हमने सैटरडे से स्टार्ट की, और सैटरडे में पहले हम डाउन टाउन गए, डाउन टाउन में वार्ड 4 और वार्ड 7 में हमने ये शुरू किया, तो वहाँ के लोकल कारपोरेटर जो भी थे तो उन्होंने भी ताउन किया वहाँ पे, उन्होंने लोगों को मधु किया, जो भी वहाँ शॉपकीपर्स थे इलाकों में, तो जो एसेंशियल्स भेजते हैं, तो ये प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए चलाया गया है शहरी श्रीनगर में, जो भी दुकानदार है एसेंशियल्स भेजते हैं ताकि वो सेफ रहे। तो सर देखिए, ये तो हमने आपको पता है कि पहले जो जब ये शुरू हुआ वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई, तो हमने जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सब ने किए, जो मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं मेडिकल से वाबस्ता हैं उन्होंने भी किए, तो ये फेज़ वाइज हर एक को करना है यहाँ पे। तो इसमें भी सोचेंगे जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, या उनके लिए भी हम सोचेंगे कि हम घर घर जाके ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एलेक्टेड बॉडी है हमारे कॉरपोरेटर्स है 74 वार्डों से, तो वो ये प्रोग्राम आसानी के साथ चला सकते हैं। इसमें एक हम फ्रेमवर्क करना है, गवर्नमेंट से हम बात करेंगे इस बारे में, ताकि हम अपने जो कॉरपोरेटर्स हैं इनको भी इसमें शमूलियत करने का पूरा मौका दिया जाए, और ये अपने वार्डों में जो भी मतलब खदमात है लोगों के लिए, तो अच्छे खूबी से 45 places पर लोकेशन पर इस वक्त ये वैक्सीनेशन हो रही है। आप इस वक्त भी देख रहे हैं शेर कश्मीर पार्क में, हमें शेर कश्मीर पार्क लीजिए, आप हबा कदर लीजिए, राजबाग लीजिए, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन लीजिए, आप टूरिस्ट सेंटर लीजिए, हर जगह इस वक्त ये वैक्सीनेशन हो रही है। वैक्सीनेशन की कोई किल्लत नहीं है, आप जहाँ भी जाए सिटी में जहाँ भी जाए 45 centers है, 45 locations है जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। ये खुसूसन हम आम पब्लिक के लिए है, खुसूसन जो यहाँ स्टेक होल्डर्स है, जो है शॉपकीपर्स है, जर्नलिस्ट्स है, बाकी जो भी यहाँ ऑटो ड्राइवर्स है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, ट्रांसपोर्टर्स, जो भी यहाँ है इस वक्त उनके लिए दस्तयाब है। हम उनको यही कह रहे हैं कि जो 18 years से लेके 44 की एज तक, 44 एज तक उनको इस वक्त ये वैक्सीनेशन हो रही है, उनसे हम इस्तेदा करते हैं वो आए, जहाँ भी उनको बिल्कुल नज़दीक मतलब ये सेंटर लगे, वैक्सीनेशन सेंटर लगे, वहाँ जाके वो अपना वैक्सीन कराए। लोग पहले डरते थे इस वैक्सीन से, आज जो लोग आगे आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, आपको पता है पिछले 2 साल से ये कोविड चल रहा है, पहले लोग जब किसी घर में पॉजिटिव होता था वहाँ कोई घर नहीं जाता, उसकी वैसिनिटी में लोग भाग रहे थे, ये धीरे लोगों में भी इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, लोगों को भी ये पता चला कि ये वो बीमारी है, अगर इसको हम सोशल डिस्टेंस कायम रखेंगे, हम मास्क पहनेंगे, मुमकिन है कि इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लोगों को भी अवेयर हो गए इस मामले में, इस COVID-19 पेंडेमिक में, कि हम अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, अगर हम मास्क लगाएंगे, हम सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, मुमकिन है कि इंशाल्लाह हम इसको फाइट ज़रूर करेंगे।